गुड मॉर्निंग। वो आज 10 बजे आर्ट गैलरी निकलना है ना? हाँ? वो जर्नलिस्ट आ रहे हैं हाँ आपका इंटरव्यू लेने। अच्छा हाँ, कितने बजे आ रहे हैं? 10 बजे। और उसके बाद हम बुद्धम के स्कूल जाएंगे, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। वहाँ कब जाना है? एग्जिबिशन के बाद निकल जाएंगे। ये ब्लू अच्छा लग रहा है ना ऊपर? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी पेंटिंग ही बहुत अच्छी बनी है। नहीं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। I think we are going to buy this one. Okay. Excellent choice. Thank you so much. Thank you. Thank you. We also have an upcoming exhibition. Yeah. My husband is painting Buddhas. So I would love if you could attend the exhibition. Absolutely. Painting करने के लिए जब मैं शुरुआत करता हूँ painting का, तो मुझे पता नहीं होता है कि पहले से डिसाइड नहीं होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा कलर। सो मेरे लिए पेंटिंग बनाना ऐसा है जैसे रोमांस करना। तो अगर आप में से किसी ने मतलब प्यार किया ही होगा तो मतलब सेम फीलिंग है, ऐसा है मेरे लिए। मिस्टर राजन, यस, पहले आपकी पेंटिंग्स में काफी क्रिएटिविटी नजर आती थी, बट रिसेंटली उनके पैटर्न्स काफी सिमिलर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सेलिब्रिटी स्टेटस आते ही आपकी क्रिएटिविटी कहीं गुम हो गई है? क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, आकांक्षा, मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं देना है। ये आपके जो सवाल है ना, ये बहुत ही मतलब पढ़े पढ़ाए सवाल है। ये आपका खुद का सवाल नहीं है। आपने कभी पेंटिंग बनाई है लाइफ में? बनाई है कभी? फिर आपको किसने ये हक दिया कि किसी पेंटर से आप इस लेवल का आप सवाल पूछे? आपको किसने हक दिया? आपको पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं? राजन, आपको पता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या बात हो रही है? आप, ये जो आपका जनरेशन है ना, पता नहीं कहां जा रहा है। I am so sorry. Sorry. I'm sorry. Can we just move forward to see other paintings? Come in. Hello, Badam. How are you? Hello. School पसंद आता है? जैसे कि आपको पता है हमारा school, we believe in the overall development of a child. Budham is doing quite well. Mathematics or English. अरे? थोड़ा कच्चा है in drawing and craft, you can see. और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े पेंटर का लड़का और एक सीधी लकीर भी ठीक तरह से नहीं खींच सकता। बट इट्स ओके, आई एम श्योर ये सीख जाएगा। हाँ,
बाकी सब ठीक है ना? ठीक है, ओके, हम लोग भी निकलते हैं। हमारा कोई वेट कर रहा है घर पे, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, चले बदम। या ओके, या चलो, थैंक यू, आओ। सॉरी, थैंक यू। रॉक पेपर सिज़र, रॉक पेपर सिज़र। डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट। ए प्रिया, वो रख दो। ए सुनो, वो थोड़ा बुद्धम को लेके आओ। अभी? हाँ, बात करने है। ठीक है। रॉक पेपर सिज़र, रॉक पेपर सिज़र। बुद्धम, बच्चा पापा बुला रहे। इधर इधर आओ। ये क्या है? स्केल। ये स्केल आप हमको लाइन खींच के बताइए, सीधी लाइन खींच के बताइए, खींचे। क्या है ये? क्या आपने बनाया ये? चले, आपकी पेंटिंग हो गई, मैंने आपको सीधी लाइन बनाने के लिए बोला था ना। हाँ, क्या है ये? लाइन है। पकड़िए उसको, सीधी लाइन बनाइए। चलिए, आपकी पेंटिंग होगी। क्या है ये? लाइन। सीधी लाइन है। इसको ऐसे पकड़ने का बुद्धम, इसको ऐसे पेंसिल दीजिए। कितनी बार बताया आपको, इसको सीधा लाइन खींचने का, ऐसे ऐसे खींचने का लाइन। बस करो, डर जाएगा। ऐसे लिखने का? अरे इसे क्या पता है? हाँ, सीधी लकीर, टेढ़ी लकीर, ऐसा सीधा होता है लाइन। ये इट्स ओके, ये सीधा लाइन, ऐसे ऐसे। ये है सीधी लाइन। ये सब कुछ तुम्हारे पेंटिंग की वजह से है ना? खुद को बड़े सेलिब्रिटी समझते हो। रुको, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। मैं करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। डिस्ट्रॉय करना है ना, अभी करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, तुम एक मिनट, एक मिनट। हटो, हटो, हटो वहाँ से, हटो, हटो। ये लो, ये लो, ये लो, पूरा पेंटिंग डिस्ट्रॉय करो, पूरा पेंटिंग डिस्ट्रॉय करो मेरी लाइफ की तरह। ये लो,
मैं बुद्धम को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। स्कूल के बाद हम घूमने चलेंगे। एब्डोमेन में काफी ब्लीडिंग हो रही है। आई थिंक ही इज ब्लीडिंग इंटरनली। एब्डोमेन ओपन करके ब्लीडर को अरेस्ट करना होगा। बेटा, his pulse is sinking. बेटा, एक बार बेटा टेढ़ी लकीर लगा, एक बार टेढ़ी लकीर पड़ा। बुद्धा
टेढ़ी लकीर है ये मन का फकीर है है ये मन का फकीर है मन चाहे बहती दरिया या फिर जंजीर है अपनों से प्यार कर ले अपनों से प्यार कर ले जी भर के प्यार कर ले जाने ये कब मुँह मोड़ चले जाने ये कब मुँह मोड़ चले टेढ़ी लकीर है ये मन का फकीर है मन चाहे बहती दरिया या फिर जंजीर है टेढ़ी लकीर है ये मन का फकीर है मन चाहे बहती दरिया या फिर जंजीर है।